बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। बाबा रामदेव की कोरोनिल अब विवादों में है। राजस्थान में महाराष्ट्र सरकार ने इसे बैन कर दिया है, जबकि उत्तराखंड नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। इस बीच समाज का एक बड़ा वर्ग बाबा रामदेव के पक्ष में आ खड़ा हुआ है तो दूसरा तबका विपक्ष में। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमत के बीच बाबा रामदेव की कोरोनिल ने विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का एक और मौका दे दिया है। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन जिस निम्स विश्वविद्यालय के साथ बाबा रामदेव ने क्लिनिकली ट्रायल करने का दावा किया था, उससे विश्वविद्यालय ने यह कहते हुए आज पल्ला झाड़ लिया कि बाबा रामदेव ने किस आधार पर कोरोना की दवा बनाने का दावा किया वह नहीं जानते। उनके साथ बाबा ने कोई ट्रायल भी नहीं किया है। इस बीच आयुष मंत्रालय को भेजे जवाब में पतंजलि ने कहा है कि उसने कोरोना के किसी भी गंभीर मरीज पर इस दवा का प्रयोग नहीं किया है, अलबत्ता मामूली लक्षण वाले मरीजों पर जरूर इसे इस्तेमाल किया गया है। पतंजलि के इस जवाब से स्वयं बाबा रामदेव परेशानी में घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बाबा रामदेव ने बीते मंगलवार को पहले ही दावा किया था कि कोरोना की दवा बन गई है और 100 लोगों पर क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल की स्टडी की गई है। 3 दिन में 69% रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। रामदेव का यह भी दावा था कि क्लिनिकली कंट्रोल स्टडी में 280 मरीजों को शामिल किया गया, इसमें 100% मरीज ठीक हो गए, कोई मृत्यु नहीं हुई। अब आगे पतंजलि के साथ कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक और चेयरमैन बीएस तोमर ने अब कहा है कि हमने अपने अस्पतालों में कोरोना की दवा का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया है। हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी जरूर दिया था। मैं नहीं जानता कि योग गुरु रामदेव ने इसे कोरोना का 100% इलाज करने वाला कैसे बता दिया। चेयरमैन का यह भी कहना है कि फाइंडिंग अभी 2 दिन पहले ही आई थी, मगर बाबा रामदेव ने दवा कैसे बनाई वह नहीं बता सकते, वह इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। गौरतलब है कि पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि इस दवाई को कोरोना वायरस से पीड़ित किसी गंभीर मरीज पर टेस्ट नहीं किया गया है, कम लक्षण वाले मरीजों पर टेस्ट किया गया था। साथ ही कोरोनिल का क्लिनिकल टेस्ट 120 ऐसे मरीजों पर किया गया है जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण काफ़ी कम थे। इन मरीजों की उम्र 15 से 80 साल के बीच थी। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लोग शामिल किए गए थे। ट्रायल के दौरान इन सभी को इसके बारे में बताया गया था और उनकी सहमति भी ली गई थी। इस पूरे ट्रायल में 2 महीने का वक्त लगा। विशेष बात यह है कि उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग का कहना है कि पतंजलि के एप्लीकेशन पर उसने लाइसेंस जारी किया। इस एप्लीकेशन में कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं था। इसमें कहा गया था कि हम इम्यूनिटी बढ़ाने, कफ और बुखार की दवा बनाने का लाइसेंस ले रहे हैं। विभाग की ओर से पतंजलि को नोटिस भेजा जा रहा है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।